एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने नागरिकों से हेलमेट लगाने को लेकर अपील करते हुए कहा कि जनपद में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में पेट्रोल पंप मालिकों से निवेदन किया था, पुलिस के जागरूकता अभियान में सहभागिता करते हुए जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वह भी लोगों को जागरूक करें, जो बिना हेलमेट के पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पर आते हैं दो पहिया वाहन चालक उनको पेट्रोल ना दिया जाए, जिससे लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाकर पेट्रोल पंप पहुंचे, जिससे लोगों में जागरूकता आए। इसके अलावा काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ भी उनको रोक कर चालान किया जा रहा है। जिस दुकान से काली फिल्म लगाई जा रही है उन दुकानों से काली फिल्म बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जो पार्किंग है उसमें लोगों के वाहन को खड़ा करवाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने वाहन का कहीं भी गलत पार्किंग ना करें, बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं, कहीं भी कोई वस्तु सड़क पर ना फेंकें, बिना वजह सड़क पर गाड़ी ना रोकें, यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके। हमारा प्रयास है कि जनता के सहयोग से शहर को जाम मुक्त करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जी जनपद में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में हमने जो पेट्रोल पंप एसोसिएशंस हैं और पेट्रोल पंप मालिकों से निवेदन किया था कि पुलिस के इस जागरूकता अभियान में सहभागिता करते हुए जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो भी लोगों को जागरूक करें, जो बिना हेलमेट के आते हैं दोपहिया वाहन चालक उनको पेट्रोल ना दिया जाए, ताकि लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए पेट्रोल पंप पहुँचें तो हेलमेट पहन के पहुँचे, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। और इसी के साथ जो काली फिल्म लगी गाड़ियां हैं वो भी रोककर चालान किया जा रहा है। जहां से काली फिल्म लगाई जा रही है उन दुकानों से भी काली फिल्में बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो पार्किंग व्यवस्था है उसको सकुशल करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए लगातार अभियान जारी है, अतिक्रमण के विरुद्ध भी जारी है और इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। मेरी लोकबंधुओं से अपील है, जनता के नागरिकों से अपील है कि कहीं भी गलत पार्किंग ना करें, बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं, कहीं भी कोई वस्तु अपनी सड़क पर ना फेंकें, कहीं गाड़ी बिना वजह सड़क पर ना रोकें, रेड लाइट के नियमों का पालन करें और सभी नियमों का पालन करें, ताकि जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हो और बिना पुलिस को कार्रवाई किए जो जनता के सहभागिता से हमारा शहर ट्रैफिक जाम से मुक्त हो।